दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लाइटिंग अरेस्टर है जिसे यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है। तो लाइटिंग अरेस्टर का इंस्टॉलेशन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर इंस्टॉलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है ये पहले से इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है। यानी कि जो इंस्टॉलेशन तो किया है, लेकिन कुछ इतना बड़ी गलती कर दिया है कि जिससे लाइटिंग अरेस्टर लगाने का हमें कोई फ़ायदा ही भी नहीं मिलने वाला है। यानी कि जिससे बचने के लिए हमने किया है वही चीज़ ख़राब हो जाएगा। वो सारा चीज़ इस वीडियो में देखेंगे, कैसे हम अर्थिंग करेंगे वो भी देखेंगे। प्रॉपर अर्थिंग ज़रूरी है, कितने mm का इसमें केबल डालेंगे, है ना, क्योंकि जो लाइटिंग जो होता है, जो आकाशीय बिजली गिरती है, तो उसका जो वोल्टेज होता है करीब 10 करोड़ वोल्टेज होता है। उसके अंदर जो करंट होता है वो करीब 10,000 एम्पियर होता है, और जो आपस में जब टकराता है वो जो आपने सुना होगा बहुत तेज़ से आवाज़ आता है, उस समय 27,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, है ना, समझ पा रहे हैं आप। और ये बहुत ही कम सेकंड के लिए आता है, यानी कि 0.005 सेकंड के लिए आता है, और इतने देर में तबाही मचा देता है। तो उसी से बचने के लिए हमें बिल्कुल प्रॉपर तरह से इंस्टॉलेशन होना चाहिए, ताकि जो करंट आए इसके अंदर, यानी कि ऑब्जर्व करे और सीधा वो ज़मीन के अंदर डाल दे, है ना। तो उसी का देखना है यहाँ पर कि हमें कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे इसका अर्थिंग भी करेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये वीडियो आपके नॉलेज को बढ़ाने का बहुत बढ़िया काम करेगा। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर दबा दें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, सबसे बड़ी जो गलती हुआ था, यही गलती हुआ था कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कहीं भी इंसुलेटर का यूज नहीं किया गया है। यानी कि डायरेक्ट जो है, जो तड़ित चालक को डायरेक्ट एंगल से कस दिया गया है। तो वो क्या करेगा कि अर्थिंग में तो जाएगा ही करेंट, लेकिन क्या होगा, वो पिलर में भी चला जाएगा, है ना। जो पिलर आप देख पा रहे हैं, ये पिलर में भी करंट चला जाएगा। तो ये पिलर से बहुत सारे चीज़ सटे हुए हैं, हो सकता है कोई चीज़ इसका मशीन भी सटा हो, इसके एंगल में लगा हो, तो सारा बर्बाद कर देगा वो, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ इसको दोबारा से हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हमें चीज़ सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ पर इसका ये अर्थिंग दिख रहा है आपको, और केबल भी डाला हुआ है। देखिए, फिर से एक बार दोबारा से देखते हैं लाइटिंग अरेस्टर, देख रहे हैं आप कैसे लगा हुआ है। ये सीधा देखिए यहाँ पर आके ये वेल्डिंग किया हुआ है, और सीधा ये कहाँ चला गया है देखिएगा आप, कि दीवार में लगा हुआ है ना। अभी दोबारा से इसको हमने खुलवाया है, खुलवा के यहाँ पर देखिए दोबारा से इसका फ्रेम बनवा रहे हैं। फ्रेम बनवा के देखिए यहाँ पर इंसुलेटर के लिए जगह बनवाए हैं, और इंसुलेटर के बीच में होल भी, ये जो प्लेट है प्लेट के बीच में होल भी किया हुआ है, और साथ में इसका फ्रेम में भी होल किया गया है। और ये होल करने पर हम क्या करेंगे कि जो प्लेट है प्लेट को बिल्कुल प्रॉपर ढंग से इसमें हम टाइट करेंगे, ताकि ये हिले ना, है ना, क्योंकि लाइटिंग अरेस्टर को हम इतना दूरी पर हमें लगाना है ताकि हमारा जो मशीन है या फिर हमारा घर है वो उतना ऊंचाई तक कुछ भी नहीं होना चाहिए। यानी सबसे ऊँचा हमारा लाइटिंग अरेस्टर ही लगाना चाहिए, तभी तो जो भी बिजली गिरेगा तो सबसे पहले उसी में टच करेगा, है ना। उससे कम से कम आपको जो भी आपका साइज़ है वहाँ पर, उससे कम से कम 5-7 फीट ऊपर होना चाहिए, है ना, इतना होना चाहिए कम से कम। और इसी में देखिए यहाँ पर केबल, जो अर्थिंग केबल है, अर्थिंग केबल को यहाँ से टाइट कर दे जरा प्रॉपर ढंग से, एकदम टाइट होना चाहिए, कहीं से भी कोई भी गलती का मतलब गुंजाइश नहीं है इसमें। ये जो केबल देख रहे हैं 50 mm का केबल है, क्योंकि अब हमने बताया आपको कि कितना सारा वोल्टेज होता है, तो यहाँ पर इतनी सेकंड में आता है कि 0.005 सेकंड के लिए, तो तुरंत से हमें इसे ज़मीन के अंदर इसका करंट पहुँचाना है, इसलिए हमें कुछ भी गलती नहीं करना है। और फाइनल यहाँ पर लाइटिंग अरेस्टर के यहाँ पर कस दिया जा रहा है, ठीक है। इसी ढंग से आपको भी करना है, आपको 4 इंसुलेटर ना मिले कोई दिक्कत नहीं, 2 इंसुलेटर मिले, ऐसा है कि बिना इंसुलेटर का हम यूज लाइटिंग रेस्टर को करेंगे ही नहीं। यानी कि यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना लाइटिंग रेस्टर, जो चैनल है या फिर पाइप लगाते हैं, तो दोनों को एकदम अलग अलग पार्ट में बांट देना है। अब उसके बाद यहाँ पर हम दोबारा से खड़ा करेंगे इसी एंगल में, है ना। लेकिन देखिए आप, यहाँ पर लगा हुआ है ऑलरेडी हमारा इंसुलेटर, और इतना ऊँचा कर दिया हमने ताकि ये टूटे भी ना, और ये जो इसी खम्भा में, इसी जो चैनल है चैनल में इसको वेल्ड कर देंगे। और प्रॉपर ढंग से देखिए आप, यहाँ पर इसको हमने टाइट करवा दिया है, ये जो अर्थिंग दिख रहा है आपको, और अर्थिंग से बिल्कुल मतलब कहीं से भी हमारा कोई गलती नहीं होना चाहिए। अर्थिंग कैसे करना है वो, इसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे या एंड स्क्रीन में दे देंगे, आप जाके उसको देख सकते हैं,